स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फ्लाइंग व्हील्स पे। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं भीमसर महादेव मंदिर, जो कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो वीडियो को एंड तक देखें, चलो शुरू करते हैं। मौसम भी बढ़िया और राइडिंग भी बढ़िया, बहुत वाह वाह। ये छोटा झरना, मिनी झरना, यहाँ का पानी इतना प्योर होता है कि प्योरेट को भी मात दे देता है। काफ़ी सुंदर, ये देखो। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं काफ़ी आगे और मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो रखा है, एकदम सुहाना मौसम हो रखा है। और पहाड़ इसीलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि यहाँ के मौसम और यहाँ की हवाएं, अरे वाह वाह। लोकेशन तो बहुत ही बढ़िया है और भीमसर महादेव जाके हम आपको वहाँ के भी नज़ारे दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा। और भीमसर महादेव हमारे जाने का ये मोटिव है कि हमने कई बार भीमसर महादेव के बारे में सुना, लोगों से सुना कि वो अपने आप में एक बहुत ही अलग मंदिर है जो कि एक रात में पांडवों द्वारा बनाया गया था। तो देखिए, आगे जाके हम आपको वहाँ की लोकेशन भी दिखाएंगे और वहाँ के कई सारे अमेजिंग फैक्ट भी बताएंगे। तो चलो दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं थलीसैंण के एरिया में, जहां पे काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है और एक टी स्टॉल भी नज़र आई हमें। और हमने सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए, थोड़ा चाय की चुस्कियां लेंगे और तब हम स्टार्ट करेंगे अपना रास्ता आगे का। ये है आपकी पश्चिमी नयार और ये थलीसैंण से होके, पाबो होके, सतपुली होके कोटद्वार को मिलती है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन के नज़दीक। अभी यहां से भी काफ़ी दूर है, पीरसैंण पे पहुंच चुके हैं हम। ये जगह पीरसैंण बताई जा रही है और यहां पे से एग्जैक्ट 3 घंटे का रास्ता हमें पैदल चलना होगा, इसलिए हमने अपनी गाड़ी साइड पे लगा दी है, वो रही हमारी बुलेट। यहाँ से ऊपर चढ़ाई हमारी अभी 3 घंटे का रास्ता, और कैसे मैं तो आज थकने वाला हूँ।
ओ माय गॉड, इतना पैदल मैं कभी चला नहीं आज तक। बहुत आफत आ रही है। अभी कितना, 1 घंटा और दूर है और 2 घंटा हमने एकदम चल चुके हैं कंटिन्यूसली। और ये हमारे साथ क्रॉगी भाई। काफ़ी मज़ेदार सफ़र। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बिनसर महादेव के मंदिर पे। ये देखिए क्या मस्त नज़ारा है। वाओ, क्या अच्छी अच्छी मूर्तियां बना रखी हैं यहाँ पे। सारी मूर्तियां एकदम पत्थरों से बनाई गई हैं। वाओ, पांडवों ने काफ़ी अच्छी कलाकारी दिखाई है यहाँ पे। एक भी मूर्ति यहाँ पे अलग सी नहीं है, सब पत्थरों पे बनाई गई है। और अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा कुछ दिनों बाद। बहुत ही बड़ा मंदिर बनने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्लाइंग व्हील्स के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली व्लॉग पे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।